फटेगा, इसे दूर रखो, क्या आग निकलेगी इसमें से? नहीं। मैं तो यही रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। डीड बन गई, डीड सौतन बन गई, गर्मी सौ। मेरा पावर बैंक जाया हो गया, इतना अच्छा खासा यार, क्या हुआ? नहीं कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि बच्चे चेंज होते हैं ना, पानी चेंज होता है इनका, तो पेट में दर्द होता है। तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। दुनिया वालों वेलकम बैक टू अनदर डे। तो हमारा जो है ना नाश्ते का टाइम स्टार्ट हो गया और मैंने अपने लिए और अफाम के लिए बना लिया है जी चाय पराठा। आज हम करेंगे चाय पराठे का नाश्ता और ये नाश्ते के बाद जो है ना फ़ौरन से मैं पिलाने लगी हूँ आज अफाम को सिरप, क्योंकि दो दिन से अफाम को ना हो गए हैं मोशन। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि पानी की वजह से हुए हैं या दूध की वजह से हुए हैं, क्योंकि एक दो दिन मैंने ना अफाम को यहाँ का दूध पिला दिया था, अब उसको डब्बे वाले दूध पीने की आदत है, पता नहीं उसकी वजह से इसका स्टमक डिस्टर्ब हो गया या क्या वजह है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं फ़िलहाल इसको फ़ौरन से ये दवाई पिलाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बेटर लगता है, बट रात होती है ना, रात में इसकी हालत ख़राब हो जाती है फार्म की। दिन भर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहता है, तो मैंने अबू से कह करना ये मोशन वाली दवाई जो है ना ये मंगवाई थी, जबकि मैंने पानी भी उसका चेंज करा दिया। देखो पानी भी मैंने ना दूसरा मंगवा लिया, जो घर का नॉर्मल पानी होता है वो भी नहीं मैं पिला रही इसको। अब मुझे डाउट है कि पानी की वजह से तो नहीं कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि बच्चे चेंज होते हैं ना, पानी चेंज होता है इनका, तो पेट में दर्द होता है। तो अलीजा के भी आज हो रहा पेट में दर्द, तो इसलिए मैंने पानी भी ये वाला मंगवा लिया, बस सही हो जाए बस जल्दी से। चलो जी हमने इनको पिला दी एक सिरप, एक चम्मच दवाई पिला दी है, अभी ये तो बोल रहे हैं थोड़ा बेटर हो गया इनका दवाई दर्द। यार देखो मेरा इतना अच्छा पावर बैंक था, ये पता है कौन सा पावर बैंक था? अफसा ये वाले पावर बैंक नहीं होते जो ऊपर रखो, इसके ऊपर मैं मोबाइल रखती रही, मोबाइल चार्ज। हाँ ये वो था, ये मैंने उस दिन मम्मा को भी दिखाया था, मम्मा ने कहा वाह कितना अच्छा है, बस मैं यूँ था इसके ऊपर मोबाइल रखती थी और बस यूज करती थी चार्ज। हाँ कोई सा भी हाँ ये वाला फोन था और वही देखो कैसा हो गया यार, ऐसे किसी फूल गई पूरी बैटरी वाकई में। अच्छा बैटरी नहीं फूली इसको, मुझे लग रहा है कवर फूला है। देखो मेरा पावर बैंक जाया हो गया, इतना अच्छा खासा यार, क्या हुआ? क्यों आग लग जाएगी? आग कैसे लगेगी? वजह पिन मारो उसको फोड़ दो, है ना, पिन मार के फोड़ दो, सही नहीं हो सकती है। हाँ तो दूसरी बैटरी लग जाएगी ना, देखो क्या बोलती है, पावर बैंक से मेरा नहीं ख्याल होता है, बाकी चीजें तो सही होंगी ना सब कुछ, पता नहीं। तो बैटरी है क्या? ये फटेगा? इसे दूर रखो, क्या आग निकलेगी इसमें से? क्यों पागल हो? अरे ऐसे ही मारो, सही से मारो, क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? डर पोक पहले कर चुके हो, देखो ये देखो निकल, दिखाओ दिखाओ ऊपर करो। हाँ अब चार्ज हो जाएगा, है ना, अब फिक्स हो जाएगा, खराब हो नहीं नहीं। अरे तो खाली हवा निकाली ना अपने दिल की, अब से हवा निकल गई खाली इसकी, बस बंद था ना किसी फिक्स करो। नहीं ये पर ऊपर ना करो, ट्राई मारते हैं यार, इसको बंद करो, देखो पहले ये तो रीजन था बंद नहीं हो रहा था। हालांकि इसके साथ और भी मोबाइल और पावर बैंक रखे थे, पता नहीं क्यों इसी को क्या हुआ। तो मुझे अपने पावर बैंक खोल कर डर लग रहा है, मतलब गर्मी कितनी है, अल्लाह ना करे। एलिजा आप भी ना चार्ज पे यूज मत करना, नाना ने कल बताया ना आग लगे, अम्मा अम्मा नहीं जब कुछ होगा ना फिर पता चलेगा बेटा, ऐसे नहीं पता चलता, होने के बाद इंसान को अक्ल आती है, उससे पहले कोई भी नहीं सुनता, पछताते फिर पता चलता है। सब सही कह रहे थे। और आज जो है ना खाने में मैंने बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि है ना सबकी तबीयत ख़राब थी, स्टमक सब थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मेरा भी, अफाम का भी, अलीजा का भी थोड़ा थोड़ा था, तो मैंने कहा आज खिचड़ी बनाऊँ हल्का फुल्का सा। और खिचड़ी के साथ मैंने बनाई थी टमाटर वाली चटनी और उसके साथ बनाया था रायता, क्योंकि गर्मी भी बहुत है ना तो कुछ हैवी खाने का दिल भी नहीं जा रहा है। आज स्लीपी अफाम, अफाम की हालत बुरी हो गई गर्मी से, अफाम की गर्मी ना दाने जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब डिटोल लगाती हूँ मैं लास्ट, मेरे पास बस यही हरबा है कि मैं डिटोल पानी में लेके वो लगाऊं रुई से ना,
ताकि काटना कम हो, क्योंकि दाने ना फार्म को काट रहे हैं। दिन में तीन तीन दफ़ा नहलाती हूँ, दिन में तीन तीन टाइम नहाते हैं फार्म साहब, फिर भी ना सुकून नहीं मिलता। पाउडर भी लगाया, सब लगाया। हो गया है जी, अब हमारा शाम की चाय का टाइम। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, पता नहीं क्यों शाम की चाय भले आधा कप पियो बट बहुत ज़रूरी होती पीना। आ जाओ बारी बारी अंदर आ जाओ सबके सब रूम में, शाबाश। बारिश खत्म, बारिश के चक्कर में सारे के सारे नहाने के लिए गए थे बाहर। रात के बजे कितने, 12:30 बजे, 12:30 बजे बारिश हुई है। आज जो है ना प्रोडक्शन थी कि रात को ना 12:30 बजे के टाइम ना बारिश हो गई। वो बोल रहे थे कि आज ना 12:30 बजे के बाद बारिश होगी, तो यहाँ 12:30 हो गए फिक्स। और यकीन करें बारिश स्टार्ट हो गई, जैसी बारिश हुई ना हम सारे के सारे इधर उधर विंडो में यहाँ वहाँ छत पे भागने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ना हम नहा लें। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अभी मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया है, तो सब लोग गए हैं अभी बारिश देखने के लिए। कोई छत पे गया हुआ है, कोई इस वाली विंडो पे गया हुआ है कि बारिश की ना मट्टी की जो खुशबू आती है ना बारिश की हुई है वो इतने मजेदार लगती है, तो सब जो है ना वो मट्टी की खुशबू जो है ना सूंघने के लिए गए हैं। तो मुझे भी यहाँ से विंडो में से आ रही है हल्की हल्की खुशबू। तो अब लाइट भी जाना तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मौसम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया है। तो अब देखो कल तक रहते हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले भी जब बारिश आई थी ना तो यहाँ बारिश आई, उसके फौरन बाद जो है ना हब्स स्टार्ट, तो मुझे लगता है कि आज भी ऐसे ही होगा कि बारिश के बाद जो है ना वापस से हब्स स्टार्ट हो जाएगा। ये बड़ा मसला है, गर्मी जो है ना किसी भी तरह से जाने का नाम नहीं ले रही, भले बारिश हो या ना हो गर्मी बोलती है मैं तो यहीं रहूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। डीड बन गई, डीड सौतन बन गई गर्मी सौतन। तो चलो मैं तो आज का दिन करती हूँ यहीं पे खत्म, फिनिश, खलास। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, जिसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, जाएगा अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखना, मुझे रखना अपनी दुआओं में, मैं दुआओं में याद। मिलेंगे टुमारो एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए दीजिए अपनी बहन को इजाजत। तो टाटा बाय बाय शब्बा हर दुनिया वालों, चिक 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 चिक।